अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि बाजी का हम ऑपरेशन करवाने के लिए हॉस्पिटल जाते थे, हम आपको वक्फे वक्फे से आगाह करते रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाजी का जो ऑपरेशन है कामयाब हो गया है, अब इनको हम घर लेके आ चुके हैं। असल में जिस घर में बाजी को लेके आए हैं, ये घर इनका नहीं है, इनकी अम्मी जान का जो साथी बैठी हैं। इनको घर इस घर में लेके आने की वजह ये है कि बाजी के घर में, जैसा कि आपको दिखाया गया है कि वाशरूम नहीं है और कच्चा फर्श है, कच्चे कमरे हैं, तो ना वाशरूम की सहूलत है और ना ही इनको कोई संभालने वाला है। इनकी जो सास हैं वो बूढ़ी हैं, तो इस वजह से वो इनको संभाल नहीं सकती। तो इनकी अम्मी जान माशाल्लाह ठीक है, सेहतमंद हैं, तो वो इनको संभाल भी सकती हैं, और जो इनके घर में वॉशरूम वगैरह भी हैं, तो इसलिए बाजी को इस घर में लाया गया है ताकि जो है इनकी सही से देखभाल हो सके और इनको कोई तकलीफ़ परेशानी ना हो। और बाकी जो डॉक्टर ने सामान लिख के दिया था, वो सारा सामान भी इनको लेके दे दिया गया है। उधर भी जो हॉस्पिटल में इनको जिस चीज़ की ज़रूरत थी, जिस सामान की ज़रूरत थी, सारा सामान इनको लेके दे दिया। सारी चीज़ें, इनकी सहूलत पूरी हुई है और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इनका ऑपरेशन कामयाब हुआ है। तो बाजी से थोड़ी बात करते हैं। बाजी, थोड़ा ऑपरेशन ठीक ठीक हो गया? हाँ जी, ठीक हो गया। तुम हॉस्पिटल च या इतने या जितने भी किसी चीज़ जरूरत पे तुम हर चीज़ मुहैया हुई टाइम ना? हाँ जी। तुम कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं। अगर कोई परेशानी या कोई तुम मतलब मसला हो या तुम कोई खुद को पैसे लगाए हो या कोई इधर है तो तुम दस सकते हो बिना झिझक? नहीं। अच्छा, ये देखे जो आपका ऑपरेशन हुआ है या आपके ऊपर जो खर्चा हुआ है, ये हमने अपनी तरफ से नहीं किया। ये आपके लिए सात समंदर पार बैठे हैं लोग, जो आपके देख के उनके दिल में अल्लाह ताला रहम पैदा कर रहे हैं और वो आपकी मदद कर रहे हैं। और आपका जो है माशाल्लाह इतना अच्छा ऑपरेशन हो गया है, हर चीज़ आपको मुहैया हुई है, हॉस्पिटल में भी आपको कोई टेंशन नहीं हुई और इंशाल्लाह घर में भी आपको कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। और इंशाल्लाह आपका जो है ना आगे भी ये कामयाबी रहेगा। तो अब इसके बाद जो बाजी को रोज़ाना पट्टी करवाने के लिए लेके जाना पड़ेगा, और उसके बाद जो है ना चेकअप के लिए लेके जाना पड़ेगा हर दूसरे तीसरे दिन चेकअप के लिए, तो वो भी इंशाल्लाह सारा इनका जो है वो हो जाएगा खैर के वाफिर से आपकी दुआओं से। बस आपने दुआएं करनी है कि इनका जो है आगे भी इनको कोई मसला ना बने। हमारे लिए भी दुआएं करें, इनके लिए भी दुआएं करें, और ये लोग आपके लिए बहुत बहुत दुआएं करते हैं। और जो लोग ऐसी इंसानियत की खिदमत करते हैं, आप खुद सोचें कि उनके दिल से ऐसे दुआ ही निकलती है, क्योंकि बहुत से लोग इस तरह के लोगों को देख रहे हैं, बहुत से लोग इनके करीब भी रहते हैं, वो भी साहिब हैसियत हैं कि इनकी जो कुछ मदद कर सकें, लेकिन अल्लाह ताला की तौफीक नहीं है उनको। अल्लाह ताला की तौफीक उनको है जो इनको देखते हैं और उनके दिल में इनका दर्द महसूस करते हैं और वो इनके इलाज करवाते हैं, इनकी खुराक का इंतज़ाम करते हैं, इनके कपड़ों का इंतज़ाम करते हैं। अल्लाह ताला उनकी हर परेशानी हर मुश्किल आसान फरमाए। और जिन लोगों ने इनके ऑपरेशन के अखराजात उठाए हैं, इनके ऑपरेशन को कामयाब बनाया है, अल्लाह ताला उनकी हर परेशानी हर मुश्किल दूर फरमाए। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला उनकी हर परेशानी दूर फरमा दे। तो बाजी, आप उनके लिए दुआ किया करें जो आपके लिए माशाल्लाह इतना कुछ कर रहे हैं। अल्लाह ताला उसको बहुत ज़्यादा सेहत अदा करें, अल्लाह मियाँ और ज़्यादा दें और उनकी हिम्मत अदा करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो अल्लाह आज के लिए इतना ही, दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।